थोड़ा धीमे धीमे रुक जा। चलिए। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी। हाँ, भूमि का सीमांकन करने के लिए। कितना मांगे थे? 8,000 रुपये। भूमि का सीमांकन आपका फंसा हुआ था? हाँ, भूमि का मामला है ये, उल्ही कला। कब से लगता है? 27 अप्रैल का आवेदन था और 12 जून इसकी लास्ट डेट थी इसको पूरा करने की, तो 12 जून तक इन्होंने नहीं किया। जब हम इनके पास गए और इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि अभी आपकी फ़ाइल मिली ही नहीं है, और जब हम तहसील में जाके पता किए तो तहसील वालों ने बताया कि फ़ाइल पटवारी को 2 दिनों के अंदर ही दे दी जाती है। फिर इनके 2-3 बार इनके पास हम गए और RI साहब के पास भी गए तो RI साहब ने बताया कि फ़ाइल तो यहाँ नहीं है, तो आप पटवारी से संपर्क करिए। जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा फ़ाइल नहीं है, और वहाँ तहसील जाने पर ये पता चला कि वहाँ से जो है तो फाइलें उठाई जाती हैं, तो फाइल ये तभी उठाते हैं जब इनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। तो मैं फिर इनके घर गया मिलने के लिए और उनसे डायरेक्ट पूछा कि ये बताइए कि मतलब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, पटवारी साहब कोई दिक्कत है कुछ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे स्पष्ट खुल के बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि बिना खर्चा के पैसे, मतलब बिना खर्चा पर्चा के कार्य नहीं होता है। और आप, और मैंने क्या किया था कि 181 में शिकायत भी इसकी कर दी थी 12 तारीख के बाद, 13 तारीख को, कि ताकि मतलब थोड़ा इनके ऊपर दबाव बने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बिना खर्चा पर्चा के नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि कितना खर्चा लगेगा पटवारी साहब, तो बोले कि वो फाइल मिल जाने दो, फाइल ले आओ फिर देखेंगे, फिर बताएंगे कितने नंबर हैं। तो मैंने कहा कि 7-8 नंबर होंगे, 2 लोगों के थे क्योंकि एक मेरे पिताजी के नाम पर भूमि है और एक मेरे भाई के नाम पर, दोनों का सीमांकन कराना था, लगभग 8 एकड़ के आसपास थी। तो मैंने पूछा कि पटवारी साहब कितने में, क्या 5,000 में हो जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत एक का नंबर है, मतलब ज़्यादा नंबर हैं। तो मैं बोला तो फिर आप ही बताइए कितना, तो बोले कि 8,000 कर दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने 8,000 देने के, यहाँ पर आकर के शिकायत की लोकायुक्त में कि पटवारी साहब मुझसे 8,000 रुपये रिश्वत मांग जी। कुछ पैसा पहले भी दिए? नहीं जी, एक साथ। हाँ, एक साथ पूरा एक मुश्त पैसा आज दिया गया है। ये कहाँ थे, अपने घर में? हाँ, उनके अपने घर पर थी ये, और आज सुबह इनका गाँव पड़रिया जहाँ पर इनका निवास स्थान है। ये किस साल के एक पटवारी है? ये उल्ही कला मनगवा। इनका क्या नाम है? सियालाल साकेत। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत जो सीमांकन हुआ तो उसी में फंसे थे क्या? नहीं नहीं, ये अलग से सीमांकन का आवेदन दिया गया था हमारे द्वारा 27 अप्रैल को। इसमें एक आवेदक है रीवा निवासी शैलेंद्र दुबे, ये पेशे से शिक्षक हैं। इनका जो एक भूमि का सीमांकन होना था उस संबंध में इन्हें अप्रैल माह में तहसीलदार मनगवा को आवेदन दिया था भूमि का सीमांकन कराने के लिए। तो उसमें अप्रैल मई जून 3 माह करीब हो गए, तो उसमें उनका भूमि सीमांकन नहीं किया गया, उसको बार बार घुमाया जा रहा था। तो उस संबंध में उसने पटवारी से बात की, तो पटवारी जो है वहाँ के उल्ही कला जो हल्का है राम सिया, उससे इनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जो है उससे 10,000 रुपये की मांग की थी, और 10,000 रुपये की मांग करने के बाद 8,000 पर दोनों की बातचीत फाइनल हुई थी। तो आज जो है उसी में लोकायुक्त कार्यालय में जो है फरियादी के द्वारा हमारे पास शिकायत की गई थी, उसका सत्यापन कराया गया, और रामसिया साके जो पटवारी हैं उनको 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अभी ट्रैप किया है, और अभी कार्रवाई जारी है। उनका जो निवास है गाँव, वहीं से पकड़ा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।